सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का रिपब्लिक डे कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, जिसको भी फुल फोटो में अपना फोटो को एडिट करना है। और अगर आपको एक हाफ फोटो और इस तरह का फोटो को एडिट करना है आपको रिपब्लिक डे के दिन, तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेड एप्लीकेशन में ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देखने का डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जो यहाँ पे रिसाइज वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जो अमाउंट है इसके ऊपर क्लिक करना, और इसको कट करके आपके यहाँ पे 4098 अप्लाई कर लेना है और रिसाइज पे क्लिक कर देना ताकि यहाँ पे फोटो के पिक्सल्स इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। और ये वाले फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी रेस कर लिया था, और अगर आपको फोटो को परफेक्टली कटआउट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसे आपको जूम करके इस वाले पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट के साइड, जिसका नाम है शैडो, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक शैडो आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा, एडजस्ट, पोजीशन और कलर। तो आपको पोजीशन वाला ऑप्शन पे जाना है, और फर्स्ट का यहाँ पे जो अमाउंट है आपको रखना है 109, और सेकंड का 102 रख लेना। फिर आपके यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पे जाना है, और मैं यहाँ पे जो अमाउंट रख रहा हूँ आपको भी सेम रखना है। एक ऑप्शन यहाँ पे ब्लर है, दूसरा ओपेसिटी का है, तो ब्लर को 37, ओपेसिटी को 17, और यहाँ से डन। तो हमारा शैडो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो की सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर लेना है 12%, कॉन्ट्रास्ट को माइनस पे रखना -20, हाइलाइट्स को भी माइनस पे रखना है, और शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ से डन। ये हो जाने के बाद आपको आइकन पर क्लिक करके इस फोटो गैलरी में सेव कर लेना है, और पिक्सेड एप्लीकेशन को बैक करके एक न्यू बैकग्राउंड को आपको ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पिक्सेड एप्लीकेशन में एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। तो इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ से आपको दो PNG को ऐड कर लेना है। इन दोनों PNG को ऐड करने के बाद आपको इस तरह से एडजस्ट करना है जूम करके, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एडजस्ट, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही करना है। इसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ जो इरेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो इस साइड वाले को थोड़ा सा इरेज कर लेना, और इस तरफ को भी इरेज कर लेना, और यहाँ से डन कर देना। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ से डन। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, और हमने जो अभी सेव किया था फोटो को उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे इस तरह से जूम करना है ताकि पीछे के यहाँ पे जो ब्लैक पेंज है यहाँ पे हाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे जूम कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लेंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे, और ब्लेंड को हमें यहाँ पे रख लेना है स्क्रीन। तो देख सकते हो इस तरह का बन जाएगा। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो फेस यहाँ पे जो है क्रॉप हो चुका है, लेकिन उसे भी हम यहाँ पे सही कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसे जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ से डन। और यहाँ पे जो फेस है उसे सही करने से पहले हम यहाँ पे बाकी पेंजेस को ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं ऐड फोटो पे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया, लेकिन इसे ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर के साइड एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। तो हमें यहाँ पे इसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे। तो देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कलर्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे नेगेटिव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से डन। नेक्स्ट हम यहीं से फिर से ऐड फोटो पे जाते हैं, और इस वाले टेक्स्ट पेंज को ऐड करेंगे। इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फोटो के राइट साइड कॉर्नर में, फिर यहाँ से डन। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे वापस से ऐड फोटो पे जाएंगे, और हमारे यहाँ पे जो PNG था फोटो का उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जूम करके हमें इस तरह से इसे परफेक्टली एडजस्ट करना है। यहाँ पे परफेक्टली एडजस्ट हो रहा है या फिर नहीं इसके देखने के लिए आपको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना है, और जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद आपको मुझे इरेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है, और इन्वर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो रिमूव हो जाएगा। जस्ट आपको रिस्टोर पे जाना है, हार्डनेस को कम कर देना, साइज को इंक्रीज करके इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। तो इसे मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई कर लिया यहाँ से डन, और यहाँ से भी डन। तो देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जितने भी इफेक्ट है आपको बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में स्वाइप कर लेना है इसे। तो बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा विग्नेट का, इसके ऊपर क्लिक कर देना, और दोबारा से क्लिक करके इसका जो साइज़ है आपको बिल्कुल फुल कर देना है, और ओपेसिटी को 80-90% के बीच में रख लेना। मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ लगभग 86, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट आपको टूल्स पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना अपने हिसाब से, और यहाँ से डन कर देना। तो आपका फोटो यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको येलो आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियो देखना है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक दे डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।